हेलो दोस्तों, बड़े को मेरा प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। पुष्पा दो साथ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हाँ, अभी बजी हैं शाम के 4। मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी मैं हेलीपैड पे आई हूँ। ये है हमारे गरुड़ का हेलीपैड। यहाँ पे शाम के समय बच्चे खेलने के लिए आते हैं और कई कपल यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे गाड़ी वगैरह सीखने के लिए भी लोग आते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे हेलीपैड। आप देखिए हेलीपैड के चारों ओर का दृश्य कितना सुंदर है, कितना लुभावना है। यहाँ से तो फिर जाने को मन ही नहीं करता। कभी कभी मैं यहाँ पे घूमने आ जाती हूँ। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा साइकिल चला रहा है और यहाँ सुबह 4 बजे से लोग घूमने आ जाते हैं। कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई कसरत करते हैं। सुबह 4 बजे से ही यहाँ हमारे हेलीपैड में बिल्कुल चहल पहल हो जाती है। अभी शाम के समय मैं भी यहाँ पे रुके फिर जाती हूँ मैं थोड़ी देर मम्मी के कोको से मिलने। मुझे कोको की बहुत याद आ रही है। चाय भी पियाती हूँ और मम्मी से भी मिलाती हूँ, थोड़ा हाल चाल भी पूछ आती हूँ मेरी बुढ़िया मम्मी कैसी है करके। मैंने भी इसी हेलीपैड में गाड़ी चलानी सीखी। एक बार पाँव भी फ्रैक्चर हो गया था लेकिन मैंने सोचा नहीं, आगे बढ़ना है और सीखना है। जैसे मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ तो मैंने चलना नहीं छोड़ा, तो मैं गाड़ी चलाना जो क्यों छोड़ूं। मम्मी के लिए ले जा रही हूँ कुछ फ्रूट। दोस्तों ये मेरी मम्मी है। मम्मी की आजकल बहुत तबीयत खराब हुई है तो मैं अभी जरा देर मिलने के लिए। मम्मी हाय, कदे में दगड़िया है। हम सब सीधे साधे हैं। मेरी मम्मी बहुत सीधे साधे हैं। मेरी मम्मी पापा बहुत सीधे थे। एक सिंपल से फैमिली से मैं हूँ और मेरी मम्मी 71 ईयर की हो गई है। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति आजकल बीमार हुई है ना, तब आप अगले वीडियो में देखोगे मेरे साथ डांस भी करेगी। इसकी इच्छा शक्ति इतनी अच्छी है, डांस करेगी और सारा काम कर लेती है। मम्मी अभी भी खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े सब करती है मतलब। और सुबह घूमने भी जाती है, शाम को भी जाती है और कोको को ले जाती है मम्मी। मम्मी पापा ने हमें हमेशा ये सिखाया कि बेटा मेहनत से कमाना, मेहनत से खाना और मेहनत करना, यही सिखाया उन्होंने। आई लव यू मम्मी। बेटियों का मायका पहले माँ बापू से होता है, उसके बाद फिर भाई बहनों से होता है।
तो पापा से मेरा बहुत ही अटैचमेंट था, लेकिन पापा अचानक ही चले गए। उसके बाद मतलब मैं बिल्कुल टूट जैसी गई थी। 2-3 साल तो मतलब जिंदगी कुछ है या नहीं कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और मम्मी ने भी मेरे खुद को संभाला। और अब कभी भी जब टाइम होता है तो मम्मी से मिलने आती हूँ, कमी आ पाती हूँ लेकिन आती हूँ, फोन में मम्मी से बातें करती रहती हूँ। मेरी भतीजी मेरे लिए बना के ला गई है चाय, मैं और मेरी मम्मी पी रहे हैं अभी चाय। हिमालय का व्यू कितना अच्छा लग रहा है हमारी छत से। आज कई दिनों के बाद मौसम साफ हुआ है, दिन ढल गया। दोस्तों मैं आज मायके आई हूँ, बहुत खुशी हो रही है मायके आने की। मायके आने का एक अलग ही सुकून मिलता है, अपनों से मिलने का, अपनी मम्मी से और अपनी भतीजी से मिल रही हूँ मैं अभी, और बहू तो मेरी अभी खेत में गई है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे कि कोई जिम्मेदारी नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल एक फ्री लाइफ। आसमान बिल्कुल साफ है और अब कल से मुझे लग रहा है कि हमारे किसान भाई बहन अपनी खेती को देखेंगे, अपने धान को काटेंगे जो कि बिल्कुल बर्बाद होने की स्थिति में है। थैंक गॉड थोड़ा सा आसमान खुल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो पहली बार इस ब्लॉग से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए